इत्तेहादी इस वक्त तक हुकूमत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल इत्तेहादियों से अपील कर रही है कि पानी सर से गुजरने से पहले हुकूमत का साथ छोड़ दें। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोशिशें तेज कर रही है, जबकि मुख्तलिफ सर्वेज भी हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के अदम इत्मीनान की तरफ इशारा कर रहे हैं। गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 3 साल में वजीर आजम से मुतलिक अवाम की मुस्बत राय में मुसलसल तनजुली आई है। दिसंबर 2018 में जब आवाम से पूछा गया कि उन्हें इमरान खान की कारकर्दगी पर कितना इत्मीनान है, तो 40% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, मगर जनवरी 2022 में यह शरह 36% रह गई है। दूसरी तरफ सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ के हवाले से अवाम की राय में मुसलसल मुस्बत तब्दीली आ रही है। 2018 में 29% लोग नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन थे, मगर जनवरी 2022 में 55% लोग नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बेशक वजीर आजम की कारकर्दगी पर लोगों की राय मनफी हो रही हो, मगर इसके बावजूद लोग चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, 5 साल मुद्दत पूरी करे। सर्वे के मुताबिक 53% लोगों ने यह इस बात का इजहार किया कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुकूमत और ऑपोजिशन से मुतलिक अवाम की राय में तब्दीली आ रही है और दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके मुखालफीन नाकाम होंगे।